नमस्कार मित्रों, आप जो रहे हो कृषि लगता महत्व समाचार। आज तारीख 13/12/2021 सोमवार आज ताजा खेडूत मेना समाचार। खेडूत मित्रों, आज ताजा समाचार जोशू ते पहला तुम जो मेरे यूट्यूब चैनल में नवा हो तो चैनल खास सब्सक्राइब कर लीजिए। हेडलाइन नंबर एक, घनी मार्केटिंग यार्ड में कपासना भाव रुपया 1750 पण वधु जोवा मळ्या हता, जेमा जा बाबरा मार्केटिंग यार्ड में आज कपासनो भाव मणे रुपया 1818 रुपया जोवा मळ्यो हतो। हाल कपासनी आवक खेडूतो पासे तळिये छे त्यारे बजार भावमां तेजीनो माहोल सर्जायो छे अने आ वर्षे कपासमां गुलाबी ईळ अने कमोसमी वरसादने कारणे उत्पादन पण घट्युं छे। आगळ हजी पण भाव वधारो थाय तेवी संभावना कृषि निष्णांतो व्यक्त करी रह्या छे। आगळ मित्रों, अगत्यना समाचार की बात करिए तो खेडूतोनी विजय, एक वर्ष अने 14 दिवस बाद खेडूतोने जीत मळी छे। कृषि कायदा पाछा खेंचनी खुशी में आज थी खेडूतोनी दिल्लीनी पंजाबनी फतेह मार्च शुरू करशे। आज खेडूतो बैंक बाजा साथे नाचता नाचता पोताना घर तरफ प्रयास करशे। आगळ महत्वना समाचार जोईए तो एरंडामां सतत तेजी साथे वेपार थई रह्यो छे। गुरुवारे राज्यना मार्केटिंग यार्डमां सरेराश रुपया 1100 थी लईने 1125 नी सपाटीए एरंडाना वेपार थतो जोवा मळ्यो हतो। राज्यमां एरंडाने सौथी वधु आवक पाटण मार्केटिंग यार्डमां अंदाजे रुपया 66 बोरी एरंडाने आवक नोंधाई हती। छेल्ला थोड़ा समयथी एरंडाना भाव वधी रह्या होवाथी राज्यना यार्डोमां एरंडाने आवक प्रमाण वधी रही छे। जो कि आवकमां वधारो थया बाद पण एरंडामां तेजी एकबંધ जोवा मळी छे। NDFC एक्स उपर एरंडाना वायदामां पण गुरुवारे 4% वधारा साथे वेपार थतो जोवा मळ्यो हतो। आगळ मित्रों, जोईए तो हवामान विभागने लईने मोटा समाचार मळी रह्या छे। ज्यां एक तरफ ठंडी वधी रही छे त्यां बीजी तरफ वरसादनो पण ओछू थवानुं नाम लई रह्यो नथी। भारत हवामान विभागे चेतवणी आपी छे के आगामी 4-5 दिवस वरसाद थशे। आ सिवाय केटलाक विस्तारोमां धुम्मस पण छवાયેલી રહેશે। पहाड़ी विस्तारमां पण एक बरફવર્ષાની સંભાવના છે, જેનાથી લોકોની મુશ્કેલી વધી શકે છે। વધી રહી છે કે ત્યાં બીજી તરફ વરસાદનો પણ રાઉન્ડ આવી શકે છે। આગળ જોઈએ તો અમરેલી જિલ્લાના દરિયાકાંઠે આવેલા રાજુલા જાફરાબાદ પંથકમાં છેલ્લા 7 મહિનાથી 3-4 વખત કુદરતી આફતો આવતા ખેતી અને બાગાયતી પાકોને વ્યાપક નુકસાન થતા ખેડૂતોમાં નિરાશાનો માહોલ ઊભો થયો છે। તાજેરમાં થયેલ કમોસમી વરસાદથી નાગેશ્રીમાં તેમજ રાજુલાના વડ ગામે કેળા, એરંડા, કપાસ જેવા પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે। તો મિત્રો, આ હતા આજના ખેડૂત સમાચાર।